थी, उसने कहा गुरु जी कल आप हमारे यहाँ आना, जैसे कई लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ पधार, जो आज हम एक दो जगह गए तो आप हमारे यहाँ पधारना, हमने कहा ठीक है आएंगे दीदी जरूर आएंगे। हम गए उनके यहाँ, उनके यहाँ गए, उसने सेब कतर के रखे थे, काट के रखे थे, उनका एक लड़का था 12 साल का, वो सेब उठा के ले गया, उसने ड्राई फ्रूट्स ला कर रखे, काजू बादाम पिस्ता, वो पूरी की पूरी प्लेट लेके भग गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ने चांदी के गिलास में दूध भर कर रखा, वो गरम की गरम दूध ले जाकर गटर गटर पी गया, हमारे सामने आता और वो उठा के भग जाता। हमने पूछा दीदी, दीदी बोली गुरुजी आपका अपमान हो गया, मेरे लड़के ने सब खा गया, तुम्हारा अपमान हो गया, मैं तुम्हारे लिए ला रही थी और उठा उठा के। हमने कहा जान दे अपमान तो चूल्हा में पहले, ये बता कि ये हुआ कैसे, ये बता ये कैसे, वो तो जान दे अपमान हुआ। गुरुजी जैसे आप कथा करने आए ना, ऐसे ही जब ये मेरे गर्भ में था तब यहाँ राम कथा चल रही थी, मैंने पंडित जी से पूछा था गुरुजी से, गुरुजी मेरे गर्भ में बच्चा है तो मैं कौन सी कथा पढूं जिससे मेरा बच्चा अच्छा हो। राम कथा वाले महाराज ने कहा था सुंदर कांड पढ़, गुरुजी जब ये गर्भ में था इतने सुंदर कांड के पाठ करे, इतने पाठ करे, इतने पाठ करे, ऐसी औलाद पैदा हुई सकनी नहीं बैठे, ये पाठ का बड़ा असर है। आज के जमाने में जो औलाद होती है ना, ये टीवी देख देख के पैदा होती है, क्योंकि डॉक्टर बोल देते बेड रेस्ट, डॉक्टर बोलते बेड रेस्ट, पलंग पे पड़ी रहो, दिन भर टीवी देखती रहो, 24 घंटा टीवी देखे, गर्भ में जो बच्चा था वो टीवी देखता रहा, माँ के दृष्टि से बच्चे ने टीवी देखी। अब बच्चा जन्म लिया तो दिन भर, क्योंकि वो टीवी में नाटक देखकर, नाटक में ऐसा कोई नाटक ही नहीं जिसमें कहीं का हंसता दिखे, पूरे नाटक देख लो कहीं कहीं की 24 घंटे रोती ही मिले, नाटकों में सीरियलों में रोए, वो नाटक देख के औलाद पैदा हुई। अब घर की बूढ़ी बूढ़ी माताएं कह देती है, कहने में चुकती थोड़ी ना माताएं, तुरंत बोलती भैया हमारी भी 5-5 औलाद थी, हमारी भी 4-4 औलाद थी, खिला दो पटक दो खेलती रहे, और हमारी बहू ने ऐसी औलाद पैदा करी, एक करी वो भी ऐसी करी, दिन भर पे पे करे, दिन भर रोए, दिन भर मायके कहने में कोई चुकता नहीं।